Hello and welcome everyone. In this video, I'll be talking about 12th physics paper analysis. डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि पार्ट ए और पार्ट बी कैसा रहा. पार्ट ए के जो सारे MCQs है उसको मैं सॉल्व करूँगा, बहुत जल्दी से सॉल्व करूँगा. एंड पार्ट बी के बारे में भी इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊँगा मैं आपको. ये सारी चीज़ें आपको गुड सेट में भी काम लगेगी, इसलिए मैं आपके लिए स्पेशल पार्ट ए के MCQs को मैं सॉल्व करूँगा, कैसे स्पीडली काम कर सकते हैं हम फ्यूचर में. एनीवेज, सो एज फार एज द एंटायर पेपर वॉज कंसर्न, ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी इस साल का पेपर मार्च 2024 फिजिक्स पेपर वॉज 100% अकॉर्डिंग टू द ब्लूप्रिंट. जैसा बोर्ड में लिखा गया था, सैम्पल पेपर में दिया गया था, वैसा ही बोर्ड ने पूछा है. जैसे कि पहले वाले चैप्टर के अंदर से 6 MCQs पूछने वाले थे, 2 मार्क के 2 क्वेश्चन थे, तो वैसे का वैसा ही पूरा पेपर बनाया है. तो ये चीज़ आपको काम लगेगी फ्यूचर में जो आपके पेपर्स आएंगे. ऐसा बहुत हाई चांसेस है कि नेक्स्ट कमिंग पेपर माइट बी अकॉर्डिंग टू द ब्लूप्रिंट ओनली. या सो इट इज अ डिटेल एनालिसिस. सो शुरुआत की बात है, मैं थोड़ा समय लेके समझाऊंगा. 100% अकॉर्डिंग टू द ब्लूप्रिंट. सेकंड पॉइंट, आपको मैंने जो वीडियो बनाया था MCQs के रिलेटेड, इंपॉर्टेंट MCQs जो आपको दिए थे, उसमें से मैंने चेक किया तो करीब करीब 26 MCQs उसी में से ही थे. तो मतलब 25 प्लस मार्क्स तो आसानी से आ सकते थे, ऐसा ही पेपर था. फिर भी 26 MCQs वेयर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेक्शन. होप सो यू हैव वॉच दैट पर्टिकुलर सेक्शन. नेक्स्ट, ओवरऑल 12 MCQs अकॉर्डिंग टू मी. या ये मेरा एनालिसिस है, अलग अलग फैकल्टी के अनुसार ये बदल सकता है. मेरे हिसाब से 12 MCQs ऐसे थे जिसके अंदर आपको थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना था. वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थे, थोड़ा एक दो सम्स थोड़े हाई लेवल के भी थे, बट एनीवेज थोड़े कॉर्नर क्वेश्चंस भी थे. तो इसमें सब आ गया, कॉर्नर क्वेश्चंस लिख लीजिए आप, थियोरेटिकल जो थोड़े थोड़े लेवल वाइज हार्ड कंसिडर कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस, वो एक दो क्वेश्चन जो हार्ड लेवल के थे वो भी इसमें मैंने इंक्लूड कर दिए. सो ओवरऑल मेरे हिसाब से 12 MCQs ऐसे थे जिसको आप मीडियम से हार्ड लेवल MCQs में कैटेगराइज कर सकते हो. फर्दर ये भी मैंने एक वीडियो के अंदर बताया था कि ओवरऑल ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन कैसा होता है. हालांकि मेरे पास जो पेपर सेट आया है वो 7th नंबर का है, तो उसमें जब हमने पूरी आंसर की बनाई तब हमने चेक किया तो ए 16 थे, बी 11 थे, सी 11 एंड डी 12 ऑप्शन. तो जैसा आपको बोला गया था वैसा ही है. मिनिमम 11 ऑफ पर्टिकुलर ऑप्शन आर करेक्ट आउट ऑफ द 50. तो अगर आप सारे बी करके आओगे, आए होंगे शायद, फॉर श्योर यू माइट नॉट हैव डन, यू मस्ट नॉट डू लाइक दैट, बट स्टिल अगर 11 मतलब बी में ऐसे 11 सही हो सकते थे. सबसे ज़्यादा पेपर सेट नंबर 7 के अंदर ए ज़्यादा थे. हालांकि ये पेपर सेट के अनुसार चेंज हो सकता है, लेकिन मिनिमम 11 ऑप्शन सही कोई भी एक पर्टिकुलर ऑप्शन के तो होंगे ही होंगे. दैट्स द एनालिसिस. सो ओवरऑल अगर आप मेरे को पूछो कि ओवरऑल MCQs मतलब पार्ट ए कैसा था, तो मेरे हिसाब से 25 to 30 मार्क्स वर ईजिली स्कोरेबल. मतलब आपके आसानी से 25 से 30 मार्क आ सकते हैं. अगर आपके कैलकुलेशन में, मतलब मैं आपको आंसर शीट दूंगा, अगर आपके 31 to 40 आ रहे हैं तो इट्स ऑन रेटिंग ऑफ 1 to 10, यू आर 8 out of 10. मतलब बहुत अच्छा काम किया है आपने. और अगर आपने 43 प्लस या 45 प्लस स्कोर कर दिए MCQs के अंदर, तो यू आर एक्सट्रीमली पावरफुल इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. या एनीवेज, अब पार्ट बी का भी एनालिसिस मैं आपको ऊपर ऊपर से समझा देता हूँ. अगर सीधी सी बात है, आपको ऐसा पूछ लिया जाए कि कितने मार्क्स का पार्ट बी होता है, तो आप ऐसा ही बोलोगे कि इट इज़ ऑफ 50 मार्क्स, बट बेसिकली इट इज़ ऑफ 75 मार्क्स. तो वो 75 मार्क्स में से मैंने जो आपको इम्पोर्टेंट दिया था, जैसे कि आप जानते हो कि 2 मार्क के क्वेश्चन टोटल 12 आते हैं, हमने चेक किया है और वो 12 में से 11 क्वेश्चन तो हमारे इम्पोर्टेंट लिस्ट में से ही था. देन 3 मार्क्स के क्वेश्चन टोटल 9 आते हैं, इसमें से हमारे 7 इंक्लूडेड थे ब्लूप्रिंट मतलब सॉरी इम्पोर्टेंट लिस्ट के अंदर, और ये 6 के 6 हमारे IMP लिस्ट में था.
सो मतलब अगर आप सोचो तो आपको 12 में से अटेम्प्ट करने होते हैं 8, ईजिली स्कोरेबल, मतलब ये आ सकते हैं आपके आसानी से 16. इसमें से आपको 6 ही अटेम्प्ट करने होते हैं और 7 तो हमारे इंपॉर्टेंट लिस्ट में से ही था, तो इट इज़ ऑल्सो यू कैन ईजिली स्कोर 18 out of 18. और ये तो 4 अटेम्प्ट करने होते हैं 6 में से, सो हियर ऑल्सो यू कैन ईजिली स्कोर 16 out of 16. या इट इज एक्चुअली पॉसिबल एंड यू विल बी सीइंग दिस थिंग्स कि बहुत सारे लोगों के 50 में से 50 मार्क्स आएंगे. एंड सो रफली स्पीकिंग 44 प्लस इन पार्ट बी इज वेरी इजी टू स्कोर एज पर दिस पेपर वॉज कंसर्न. तो चलिए फटाफट से MCQs की तरफ जाते हैं. जैसे मैंने पहले ही बोल दिया था कि पेपर सेट नंबर 7 को हम सॉल्व करेंगे. सी The first question is, which of the following options represents Ampere-Maxwell's law? Ampere-Maxwell's law बहुत आसान है, chapter number 8 की कहानी, जो कि एक टेबल में 4 equations दिए गए हैं. So D is the correct answer. B dot DL is equal to mu 0 IC plus mu 0 epsilon 0 into D phi E upon DT. Maxwell का equation है भाई, Ampere-Maxwell equation, sorry. Next, which of the following waves is used इन स्पीड गन्स? भाई स्पीड गन के अंदर आपको अगर स्पीड मेजर करनी है तो माइक्रोवेव यूटिलाइज होते हैं. सो माइक्रोवेव इज द करेक्ट आंसर. ये थियोरेटिकल है, थियोरेटिकल में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा भाई. तो ये 8 चैप्टर के जो 2 MCQs पूछे जाने वाले थे, 2 ही MCQs है. फिर आता है 9 चैप्टर में से भी सिर्फ 2 MCQs ब्लू प्रिंट के अनुसार था. तो देखिए, स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.25, जानते हम लोग ईटा इज इक्वल टू सी बाई वी होता है. तो v कैसा होएगा भाई, c अपॉन ईटा हो जाएगा. आप वैल्यूज रखोगे, आपका सीधा सीधा आंसर 2.4 इंटू 10^8 मीटर पर सेकेंड आएगा. यार सीधी सी बात है भाई. लेटर ऑन फोर्थ क्वेश्चन, अ स्मॉल टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ. ये भी अगर आप इंपॉर्टेंट में चेक करोगे ना, तो मैंने पहला ही लिखा था कि इसमें 2 सेक्शन है, ए और बी. एक्चुअली में टेक्स्ट बुक का समय है, टेक्स्ट बुक में 2 चीज़ें पूछी गई है, तो उसमें से एक चीज इसमें इंक्लूडेड है. दे हैव मेड MCQ फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डेटा. तो क्या लिखा है कि टेलीस्कोप जिसके ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ 140 सेंटीमीटर है और दूसरा उसका आईपीस 5 सेंटीमीटर है. वेरी इजी, आपको ये ढूंढना है कि उसकी मैग्नीफाइंग पावर कितनी है. तो मैग्नीफाइंग पावर इज वेरी इजी टू कैलकुलेट, m इज इक्वल टू FO अपॉन FE. ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ, गुड सेट अभी बाकी है इसलिए. तो FO को आप चेक करोगे तो 140 एंड दैट इज 5, सो अराउंड 28, अराउंड क्या एग्जैक्ट 28 आपका आंसर है. राइट, मेरे पास है लेकिन मैं आपके लिए, मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखे हैं तो इसलिए मेरे को आंसर्स ज़्यादातर मालूम है डायरेक्ट. फिफ्थ नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज करेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल फॉर रिफ्रैक्शन. या ये बहुत बार बच्चों को बोला था कि भाई ये फिगर जो कोने में देख के रखी है आपको देखनी चाहिए कि अगर प्रिज्म रखते हो तो कैसा होएगा, या अगर आप मिरर रखते हो तो कैसी फिगर होएगी. फिलहाल उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था कि थिन प्रिज्म के कारण कैसा आपको फिगर मिलेगी. आप प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट करते हो तो प्रिज्म से बाहर निकलते वक्त उसका शेप कैसा होएगा, तो वो भी आसान. दिस इज द करेक्ट आंसर. या फिलहाल यहाँ पे बी, तो आप देख सकते हो ये प्रिज्म है, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, तो बाहर निकलता हुआ ऐसा रहेगा ऐसा. या आप अपने ऑप्शंस में क्रॉस चेक कर सकते हो. जैसे मैंने बोला कि 12 या 11 से 12 ऑप्शंस, मतलब MCQs ऐसे थे जो आप कैटेगराइज कर सकते हो मीडियम टू हार्ड लेवल में. तो ऐसा वो 6th नंबर का था, बहुत कोने में. ये एक लाइन दे के रखी है उन्होंने टेक्स्ट बुक के अंदर कि अगर, क्योंकि हम आपको नॉर्मली थियोरेटिकली क्या सिखाते हैं रिगार्डिंग द कोहरेंट सोर्सेज, बट हियर इन दे हैव गिवन नॉन कोहरेंट सोर्सेज. तो सीधी सी बात फ्यूचर में भी काम लग सकती है कि अगर आपके पास 2 वेव्स है, दोनों की दोनों है मतलब नॉन कोहरेंट सोर्सेस से निकलती हुई है और इंटेंसिटी I0 है, तो सुपरपोजिशन के कारण उनकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है इसमें कि आपको सीधा सीधा उसका एडिशन ही करना है, मतलब नेट इंटेंसिटी इज नथिंग बट द एडिशन ऑफ द 2. सो I0 प्लस I0 स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट इज 2I0. मूविंग फर्दर, सो हाँ याद रखना है कि ये मेरे हिसाब से थोड़ा अजीब था, मतलब हार्ड कैटेगरी, मीडियम टू हार्ड कैटेगरी वाला था. एनीवेज, 7th नंबर कि इन केस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट. ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, 3 अलग अलग चीज़ें होती है
कि फ्रीक्वेंसी की इफेक्ट समझाइए, आप पोटेंशियल की समझाइए। तो ऐसे ही आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में ही पूछा था कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे क्या असर होएगी, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऑब्वियसली बढ़ेगा भाई। सो इट्स अ हाँ सॉरी हियरिंग, अगर आप बहुत ध्यान से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को याद करोगे तो उसमें लास्ट जो फैक्टर की बातें करते हैं हम नॉर्मली, दैट इज फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो उसका ग्राफ भी शायद आपको मालूम होगा कि उसका ग्राफ ऐसा है, या सो फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल, इफ यू विल चेक इट आउट, अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। यहाँ पे फोकस मत करिएगा उसने टिक क्या किया है, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस, दैट्स द करेक्ट आंसर। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से सीधी सीधी बात, द फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड, या विद इन टू सेकेंड्स यू कैन सॉल्व। अगर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है कट ऑफ वोल्टेज V0 जिसको बोलते हैं, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, फॉर्मूला है अपने पास, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज ई इंटू V0, कुछ सोचने का नहीं, 1.5 को ई से मल्टीप्लाई कर देने का, दैट इज 1.5 EV, दैट्स द करेक्ट आंसर, ईजी। इफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ डस्ट पार्टिकल ऑफ मास 1 × 10⁻¹, डी ब्रोगली वेवलेंथ आपको दे के रखी है, आपको स्पीड ढूंढनी है, कौन सी फॉर्मूला यूटिलाइज करोगे, लेमडा इज इक्वल टू H/mv, यहाँ से v को सब्जेक्ट करना है, सो इट इज H/m × λ, सारी की सारी वैल्यूज दे के रखी है। आपको ख्याल ये रखना था इसमें कि आपको जो चीज़ें बोली है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.626 हम नॉर्मली लेते हैं, बट यहाँ पे जो दिए आपको उस अनुसार ही काम करना है। तो इसके तहत आपका करीब करीब आंसर आएगा, जस्ट अ मिनट, 9th में 2.2, या 2.2 मीटर पर सेकेंड, मैं सॉल्व ऑलरेडी करके रखा है मैंने, सो डायरेक्टली मैं आपको बोल दूंगा ऐसे। चलिए ठीक है, अब 10th नंबर का, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट लाई इन द अल्ट्रावायलेट रीजन, दिस इज अगेन द ट्रिकी क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली है, मतलब कॉर्नर कॉर्नर वाले क्वेश्चन है, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ना तो सब मेटल्स के ही नाम है, बट ऐसा रूल है कि मोस्ट ऑफ मेटल्स के लिए अल्ट्रावायलेट रीजन में ही लाई करता है, लेकिन अल्कली मेटल जस्ट लाइक सोडियम, सोडियम में से अल्कली मेटल, अल्कली मेटल्स के लिए वो लाई करता है विजिबल रीजन में, सो दैट्स वाई सोडियम इज द करेक्ट आंसर। इट वॉज अ हार्ड, बट एनी वेज तुक्का लगाना था, शायद आपका लग गया होगा तो तीर साबित होएगा। एनी वेज द मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, स्ट्रेट फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है फोटोन्स की, कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक कैरेक्टरिस्टिक्स समझाई जाती है आपको कि मोमेंटम क्या होती है, E/c, ई इज नथिंग बट HF, तो अपना आंसर आएगा HF/c, सॉरी ये वाला नहीं, HF/c, ए इज द करेक्ट आंसर। है मूविंग फर्दर, फर्दर इफ द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द फर्स्ट ऑर्बिट इज A0, तो रेडियस इन द थर्ड एक्साइटेड, अगर आप बहुत फॉर्म में आ गए और थर्ड पढ़ लिया, आपने सीख के रखा है ऑलरेडी कि रेडियस इन nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2, या तो आप सीधा सीधा कर दोगे सर 3 का स्क्वायर 9 A0, दैट्स नॉट द करेक्ट आंसर। थर्ड एक्साइटेड का मतलब ही N=4 होता है, तो N=4, 4 का स्क्वायर 16 A0 इज द करेक्ट आंसर। द साइज ऑफ द आइटम परफेक्टली टेक्स्ट बुक में फिल इन द ब्लैंक्स दी है एक्सरसाइज के अंदर, चैप्टर नंबर 12 के अंदर, उसी में से था कि द साइज ऑफ आइटम इन थॉमसन मॉडल, अगर थॉमसन मॉडल है कि रदरफोर्ड मॉडल है, दोनों के अंदर एटम की साइज तो सेम ही है, सो इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम, ये आंसर आएगा भाई। फर्दर एक्सरसाइज का सम, इन अकॉर्डेंस विथ बोर्स मॉडल क्वांटम नंबर ढूंढना है आपको, यू आर गिवन दी रेडियस एंड ऑर्बिटल स्पीड, सीधी सीधी हाइपोथेसिस लगानी है, MVR इज इक्वल टू NH/2π, या बोर्स हाइपोथेसिस, इसमें से आप n को सब्जेक्ट करोगे, यू विल गेट द आंसर। आपका आंसर 74 पावर वाला, मतलब ये सेम टू सेम था, इसमें डिटेल्स भी मतलब डेटा भी चेंज नहीं किया है उन्होंने, सो या इट इज कैटेगराइज एज अ इजी क्वेश्चन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज x, तो उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, ये बहुत बार सिखाया है याद रखने का, नीट वाले भी ये काफ़ी हद तक पूछ चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय टू, ये रिलेशन है
काइनेटिक एनर्जी सॉरी टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की साइन सेम होती है, अपोजिट साइन वाला काइनेटिक एनर्जी होता है. तो आपको ढूंढना टोटल एनर्जी है तो आपको ये दोनों कंपेयर करना चाहिए. तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी आपके पास x है तो आंसर आएगा माइनस x. सो माइनस x इज करेक्ट आंसर. टोटल एनर्जी पूछी है इसलिए. फर्दर चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन कंप्लीट द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन. ये टेक्स्टुअल था या आप मीडियम कैटेगरी वाला समझ सकते हो इसको. या क्योंकि इसमें बहुत सारे इक्वेशंस थे आपको रट्टा ही मारना था सिर्फ. सीधा सीधा है 12.86 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर एमसीक्यू. द रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ 13Al27 वेरी इजी. रेडियस वाली फॉर्मूला आर इज इक्वल टू आर जीरो ए रेस टू 1/3 पर ए इज द एटॉमिक नंबर. एटॉमिक मास नंबर इज 27. सॉल्व करोगे आपको तुरंत आंसर मिलेगा. लेकिन ध्यान रखना है आपको आर जीरो की वैल्यू 1.2 लेनी है, 1.2 फर्मीमीटर. अगर आप इसको सॉल्व करोगे सो इसका आंसर शायद 3.6 ही है, लेकिन मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ. या 3.6 सही आंसर है. 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर इज द करेक्ट आंसर. फर्दर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. बहुत ईजी क्वेश्चन. आयन इज द राइट आंसर. जो आप ग्राफ पढ़ते हो ना ई बी एन वर्सेस ए, तो उसमें आपको समझाया जाता है कि भाई एफ ई 26 एफ ई 56 इज द एलिमेंट विच हैज गॉट द हाइएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. या वेरी इजी एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. कितनी होती है आप सोच के रखियो भाई. 8.8 करीब करीब आप बोल सकते हो. 19th अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंट रिलेशन द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 मिलीग्राम ऑफ सब्सटेंस इज ब्लैंक. ज़्यादातर बच्चों ने इसमें मिस्टेक की है, मतलब की होगी. क्यों? बिकॉज द मास विच इज गिवन टू यू, आपको जो मास दिया गया है वो 1 मिलीग्राम है. अब 1 मिलीग्राम मतलब हाँ मिली को सब इंक्लूड कर देंगे, 10^-3 कर देंगे, लेकिन ग्राम को कन्वर्ट करना है. ग्राम को कन्वर्ट करना या 10 में से 6 बच्चे भूल जाएंगे, तो वो आपको ख्याल रखना है. 6-7 बच्चे ये मिस्टेक करेंगे 110%. तो ओवरऑल मास कितना हो जाएगा, 10^-6 किलोग्राम हो जाएगा. और फिर आपको नॉर्मल फॉर्मूला आइंस्टाइन की फेमस फॉर्मूला mc² लगाओगे तो सीधा सीधा आपको आंसर मिल जाएगा 9×10^10 जूल. फर्दर 20 नंबर द एटॉमिक मासेस ऑफ 2 आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट. एलिमेंट का नाम नहीं दिया लेकिन ये क्लोरीन की बात है. मैंने आपको ये जब इंपॉर्टेंट लिस्ट दिया है उसमें पहला एक क्वेश्चन लिखा है कि एक टेक्स्ट बुक में पैराग्राफ में से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. आ सकता है क्या? आ गया. इनफैक्ट मतलब आपको दो अलग अलग परसेंटेज दिए हैं, 75.4% ऑफ 34.98 यू वाला और 24.6% 36.98 U एटॉमिक मास वाला एलिमेंट है. उसका अबंडेंस बोलते हैं, मतलब नेचर के अंदर कितना अवेलेबल है. तो उसका एटॉमिक मास क्या होएगा? सो क्योंकि ये क्लोरीन है हम जानते हैं मास ऑफ क्लोरीन विल बी सॉरी कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेटा लाइक दिस वे. परसेंटेज इनटू उसका अबंडेंस. 75.4% वाला कौन सा है? 34.98 वाला. प्लस 24.6% वाला कौन सा है? 36.98. ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके डिवाइड बाय 100 से कर दोगे तो आपका आंसर 35.47 यू आ जाएगा. बहुत फेमस है. सो इट्स क्वाइट ईजी. इन पी टाइप सेमीकंडक्टर नॉर्मली टेक्निक बोली थी कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 14 चैप्टर के एमसीक्यूज ढूंढने चाहिए. तो ये रहा 14 चैप्टर का एमसीक्यू. पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर टेक्स्टुअल है सीधा सीधा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू. तो होल्स मेजोरिटी चार्ज कैरियर होते हैं पी टाइप के अंदर और ट्रैवल एंड इम्प्योरिटीज होती है. तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. दूसरा वाला भी टेक्स्ट बुक में से ही है जो आपको बोल के रखा था. फॉरवर्ड बायस जब देते हैं हम पी एन जंक्शन डायोड को तो क्या हो जाता है? पोटेंशियल बैरियर घट जाता है, लोअर्स द पोटेंशियल बैरियर. अगेन द स्ट्रेट फॉरवर्ड सम. ये टेक्निकल है, मतलब ये थोड़ा मीडियम से हार्ड कैटेगरी में इसको डाल सकते हो आप. कि सी डी एस कौन से प्रकार का सेमीकंडक्टर है? तो सी डी एस इज अ काइंड ऑफ इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर. जब आपको पढ़ाया जाता है तब आपको नोट्स के अंदर ये ऑलरेडी मेंशन किया गया है. तो इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर इज सी डी एस. विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैव एनर्जी गैप मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नॉर्मली थोड़ा टाइम लेके अगर मतलब 30-35 सेकेंड्स अगर आप सोच के इसका आंसर दोगे तो आपको आसानी से मालूम पड़ जाएगा कि मेटल्स के अंदर तो एनर्जी गैप होती नहीं है, सेमीकंडक्टर्स के अंदर बहुत मतलब करीब कम होती है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के नीचे, और नॉन मेटल्स के अंदर
एनर्जी बैंड गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होती है. सो नॉन मेटल्स इज द राइट आंसर. थियोरेटिकल है, थोड़ा संभाल के करना पड़ता है. एनीवेज द हार्डेस्ट ऑफ द एमसीक्यूज दैट हैव आस्क्ड, मतलब जो पेपर निकाला है 2024 का, उसमें से हार्डेस्ट एमसीक्यू मेरे हिसाब से ये है. हालांकि थोड़ा और ज़्यादा दिमाग लगाना है इसके अंदर, इसलिए थोड़ा इसको कैटेगराइज करता हूँ मैं. इसके तहत करना क्या है, कॉन्सेप्ट लगाना है. जैसे कि इसमें ऐसा बोला है कि आई वन और आई टू की वैल्यू ढूंढ के दिखाई ये वाले सर्किट के अंदर. कुछ नहीं भाई, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है ये पीएन जंक्शन डायोड के एन साइड की तरफ. तो मतलब ये रिवर्स बायस में हो गया. रिवर्स बायस में कभी भी करंट फ्लो होता नहीं है. तो सीधी बात, आई वन की वैल्यू सीधी सीधी जीरो मिल जाएगी. तो जीरो तो दो ऑप्शन में है, तो दूसरा चेक करना पड़ेगा कि आई टू की वैल्यू कितनी आएगी. तो अभी तो ये आपके लिए है ही नहीं, तो मतलब बचा क्या, एक ही रेजिस्टर एक ही बैटरी. सो वी इज इक्वल टू आई आर के तहत आई की वैल्यू ढूंढोगे तो वी अपॉन आर 10/50 1/5 दैट इज 0.2. तो सी इज द करेक्ट आंसर. अब चैप्टर नंबर 14 के बाद में चैप्टर नंबर 1 ही आता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी पेपर सेट यू आर गेटिंग. तो चैप्टर नंबर 1 यहां से शुरू होता है भाई. इलेक्ट्रिक चार्ज क्यूब प्लेस किया गया है क्यूब के सेंटर में. टेक्स्ट बुक के जैसा था, टेक्स्ट बुक के एग्जैक्टली मतलब वो नहीं, सेंटर में क्यूब के हमने एक चार्ज रख दिया है तो उसमें से टोटल कितना फ्लक्स बाहर निकलता है, ऐसे टेक्स्ट बुक में है. तो अगर टोटल पूछा है तो वो कितना होता है, या फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस फॉर्मूला सिग्मा के ऊपर एप्सिलॉन जीरो लगाएंगे तो क्यू अपन एप्सिलॉन जीरो होगा. लेकिन यहाँ पे उन्होंने चेंज कर दिया, थोड़ा सा शब्दों का खेल. हर एक सरफेस में से कितना बाहर निकलेगा भाई, इसकी 6 सरफेस है तो मतलब एक सरफेस में से डिवाइड बाय 6. सो इट इज क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन जीरो, क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड. द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी फेमस. आप कौन सी फॉर्मूला को यूज करके उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला लेके आते हो, दैट्स द टेक्निक. सो इलेक्ट्रिक फील्ड फेमस इक्वेशन इज एफ इज इक्वल टू क्यू ई. तो यहाँ से ई की फॉर्मूला क्या होगी, एफ अपॉन क्यू, दैट इज नथिंग बट न्यूटन पर कूलम. अब न्यूटन की फॉर्मूला क्या होती है, एम वन एल वन टी माइनस टू. कूलम की होती है ए वन टी वन. ये टी वन को ऊपर लेके जाओगे टी माइनस थ्री हो जाएगा. तो सी इज द करेक्ट आंसर, एम वन एल वन टी माइनस थ्री ए माइनस वन. मूविंग फर्दर 28 नंबर, अगेन अ गुड सम, मीडियम से हार्ड कैटेगरी में इसको डाल सकते हैं हम लोग. आपको क्या बोला गया है, प्लस क्यू माइनस क्यू दो चार्जेस दिए गए हैं. ए मतलब दो चार्ज, दो स्पीयर है उसके ऊपर चार्जेस है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू. एक का नाम ए है और दूसरे का नाम बी है, दोनों के बीच में डिस्टेंस डी दिया गया है. अब इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. ये अट्रैक्शन फोर्स प्लस माइनस है इसलिए. अब क्या बोला है, ये बी वाले स्पीयर में से ए वाले स्पीयर की तरफ हम अगर 50% चार्ज ट्रांसफर कर दें तो इसका 50% मतलब माइनस क्यू बाई टू यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे तो ये वाले पे कितना हो जाएगा, क्यू माइनस क्यू बाई टू, दैट इज क्यू बाई टू. और इसके पास कितना हो जाएगा, माइनस क्यू में से 50% निकाल दिया आपने तो ये माइनस क्यू बाई टू हो गया. तो डिस्टेंस तो उतना ही रखना है, अब कितना फोर्स लगेगा वो ढूंढना है. तो भाई एफ इज इक्वल टू अगेन सेम फॉर्मूला, के क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर, टू टू फोर हो जाएगा एफ बाई फोर. सीधा सीधा क्रैक कर सकते हो आप ऐसे. थ्री इक्वल चार्जेस प्लस क्यू ईच आर प्लेस एट द थ्री वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन है. टेक्स्ट बुक के अंदर फोर्स पूछा है इलस्ट्रेशन के अंदर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछिए. प्लस क्यू और प्लस क्यू रखा है तो सेंट्रोइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी भाई, इसके कारण नीचे होती है, इसके कारण इस तरफ, इसके कारण इस तरफ, नेट इज जीरो. सो जीरो इज द आंसर, वेरी इजी क्वेश्चन. ये थोड़ा ट्रिकी था, हाँ अगर आप सोचोगे जल्दबाजी में गलत हो सकता है. सो इफ टू इनफाइनाइट प्लेन शीट्स हैविंग सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी आर प्लेस पैरेलल टू ईच अदर. दो पैरेलल लेकिन दोनों पे चार्ज प्लस सिग्मा लिखा है, ये कैपेसिटर नहीं बनाया है उन्होंने, एक प्लस सिग्मा और एक दूसरा भी प्लस सिग्मा ही लिया है. तो यहाँ पे आपकी गलती, अगर आपने मतलब ईश्वर करे आपने ना की हो. इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू शीट्स, अब बनने से मतलब ये दोनों शीट के बीच में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, तो मतलब रैंडमली एक पॉइंट ले लीजिए, ये प्लेट के कारण उससे दूर जाएगी और ये प्लेट के कारण उससे भी दूर जाएगी. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो. हर एक का निकालेंगे अगर, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, सो नेट इज अगेन जीरो इज द राइट आंसर. या होप सो यू हैव डन इट स्मार्टली. नेक्स्ट 31, ये थोड़ा अच्छा वाला सम था तो इसको मैं मीडियम कैटेगरी में डालता हूँ, मतलब हालांकि आसान था लेकिन फिर भी. तो यहाँ पे आपको ये पूछा है कि जो चार्ज क्यों रखा है डी वर्टेक्स पे उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा वो ढूंढ के दिखाइए. कुछ नहीं भाई, पैर बनानी है, प्लस प्लस मतलब ये वाला किस तरफ फोर्स लगाएगा, दूर की तरफ. ये सी वाला किस तरफ लगाएगा, इस तरफ.
तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। जानबूझ के उसको मैं अलग अलग तरीके से सिखाता हूँ। अब इन दोनों का रिजल्टेंट मैं जानता हूँ, ये बाकी है अभी। हाँ, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और मतलब के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर दोनों 90 डिग्री पे है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल, सॉरी राइट एंगल पे है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट एग्जैक्टली सेंटर में आएगा क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। और उसकी वैल्यू क्या होती है, रूट टू टाइम्स दी वैल्यू, सो रूट टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। डन, इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया। अब ये वाला भी इसके तरफ इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इसको थोड़ा अलग कलर से इंडिकेट करता हूँ तो आपको आइडिया आ जाए। तो ये वाला जो फोर्स लगाएगा वो कितना लगाएगा, तो डिस्टेंस कितना आएगा, अगर ये ए है ये ए है तो ये रूट टू ए हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आएगी के क्यू स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर, सो इट इज टू ए स्क्वायर। सीधा सीधा ऑप्शन दिख ही रहा है आपको, रूट टू और प्लस वन बाई टू वाला, सी इज द राइट आंसर। सो कई बार आपको ऑप्शन देख के भी काम करना चाहिए। मूविंग फर्दर, इट वॉज अ लिटल टाइम टेकिंग, एक मिनट या डेढ़ मिनट लेंगे ये सर। चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द सर्क्यूलर पाथ ऑफ रेडियस आर, दिस वॉज अगेन क्वालिटी सम, ये भी मीडियम से हार्ड कैटेगरी में। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग प्लस क्यू चार्ज फ्रॉम वन एंड ऑफ डायमीटर टू द अनदर एंड ऑफ द डायम, मतलब एक एंड से दूसरे एंड लेके जाना है, सेंटर पे रखा है, मतलब क्या रखा है, प्लस क्यू। तो आपके पास एक सर्क्यूलर पाथ है जिसका रेडियस स्मॉल आर है, सेंटर पे ये रखा है, सीधी सी बात है, एक छोटा सा क्यू चार्ज है आपके पास। अब ये क्यू वाले चार्ज को आप लेके ये पॉइंट से, मान लीजिए ये पॉइंट है और ये बी, ए से बी लेके आने चाह रहे हो, मतलब तो आपको फॉर्मूला मालूम होनी चाहिए कि वर्क डन की फॉर्मूला क्या होती है, क्यू डेल्टा वी। अब लेके आ रहे हैं हम क्यू चार्ज, तो सही है। अब पोटेंशियल किसका लेने का, जो पहले से प्रेजेंट है उसका, प्लस क्यू चार्ज का ए पे पोटेंशियल के क्यू अपन आर, बी पे पोटेंशियल के क्यू अपन आर, सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, जीरो। तो इसको यहां से यहां लेके आने में कोई कार्य करना पड़ता नहीं है, अगेन द आंसर इज जीरो इन दिस पर्टिकुलर सम। होप सो यू हैव डन इट करेक्टली, थोड़ा लॉजिकल था। बाय कीपिंग अ कंडक्टर 33 नंबर इन अ एक्सटर्नल फील्ड इज वेरी इजी, या मतलब इंपॉर्टेंट लिस्ट में ही था कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर आपको आनी चाहिए। तो कौन सी वाली गलत है, तो इंटीरियर के अंदर चार्ज नहीं होता है कंडक्टर के अंदर, लेकिन इन्होंने बोला है कि कंडक्टर पजेस एक्सेस चार्ज इन द इंटीरियर, सो इट्स रॉन्ग स्टेटमेंट। सो ये वाला सही आंसर है। अ चार्ज कैपेसिटर इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम बैटरी एंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज इंक्रीज, देन भाई चाहे कुछ भी कर लो आप, एक बार चार्ज करे, मतलब अपने कैपेसिटर को एक बार चार्ज कर लिया, प्लस क्यू माइनस क्यू उसके ऊपर चार्ज इस्टेब्लिश हो गया, फिर अगर आप इन दोनों के बीच में दूरी भी क्रिएट करते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इज सरफेस एरिया, उसके सर्फेस एरिया पर मतलब डिपेंड करता है वो, तो आपने डायमेंशंस तो उसके चेंज करे नहीं है, सिर्फ आपने उस दोनों के बीच में डिस्टेंस चेंज किया, दैट्स वाई चार्ज वोंट चेंज। लॉजिकल क्वेश्चन, चार्ज ऑन द प्लेट विल रिमेन सेम। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉट पोलर, भाई सीधी सी बात, पोलर मतलब नॉन पोलर कौन सा है, तो H2 इज द नॉन पोलर मॉलिक्यूल, सिंपल। इफ अ 12 पिको फैराडे कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 50 वोल्ट बैटरी, एनर्जी स्टोर्ड, भाई एनर्जी स्टोर्ड सीधा सीधा इक्वेशन 1/2 CV² 1/2 CV² लगाओगे तो आपको 36 में जो आंसर मिलेगा इट्स द 1.5 × 10⁻¹⁸, ये आंसर मिलेगा भाई आपको, सॉल्व करोगे तो आइडिया आ जाएगा आपको, मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ एल इज यूनिफॉर्मली स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ, देन द कंडक्टिविटी बिकम्स, भाई कंडक्टिविटी का इक्वेशन है सिग्मा इज इक्वल टू एनी स्क्वायर टाउ अपॉन एम। बोला जाता है कि कंडक्टिविटी कभी भी डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती है, सो अगर आप लेंथ को कोई भी टाइम्स चेंज कर लीजिए उसमें कोई फर्क होने वाला नहीं है, सो इट रिमेन्स द सेम। है सिंपल क्वेश्चन, कोई पूछे कंडक्टिविटी कौन कौन सी चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो वो टेम्परेचर है, वो सब फैक्टर्स आपको मालूम होंगे, मटेरियल। एनीवेज, द रेजिस्टिविटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रूल ऐसा है कि जो रिलैक्सेशन टाइम है ना, रिलैक्सेशन टाइम वो घटता है क्योंकि वो रेंडम मूवमेंट बहुत फास्ट हो जाएगी, सो रिलैक्सेशन टाइम विल बी डिक्रीजिंग। और रिलैक्सेशन टाइम अगर घट गई तो सीधी सी बात है मतलब कंडक्टिविटी भी घट जाएगी लेकिन रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ये मेटल्स के लिए है, मैंने क्या बोला फिर से रिवाइंड करके,
सुन लोगे तो आइडिया आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा पूछा है कि कौन से मटेरियल के लिए अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टिविटी घटती है, तो ऑब्वियसली एल्यूमिनियम, कॉपर एंड निक्रोम सार, मतलब निक्रोम तो अगर एलॉय है बेसिकली, बट सिलिकॉन इज द ओनली सेमीकंडक्टर इन द कैटेगरी, सो सिलिकॉन इज द गुड चॉइस। व्हाई? बिकॉज दोनों तो मेटल है और वो वाला एलॉय है जो मेटल से बना जाता है। एनीवेज, सो सिलिकॉन इज द राइट आंसर। लॉजिक मैंने समझा दिया आपको। 39 जो फर्स्ट सम है एक्सरसाइज का, चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज के अंदर, इनफैक्ट द स्टोरेज बैटरी ऑफ कार हैज 12 वोल्ट ईएमएफ है और रेजिस्टेंस भी दिया है, मैक्सिमम करंट पूछा है। सीधी सी बात, मैक्सिमम करंट इज डायरेक्टली गिवन बाय एप्सिलॉन अपॉन आर। ये सॉल्व करोगे शायद ये आंसर 20 आ जाएगा भाई, 12/0.6 या सो इट्स 20। नेक्स्ट, इफ अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस, अगेन दिस इज अ क्वालिटी सम। इफ अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस द डायमेट्रिकली एंड ए एंड बी ऑफ द कंडक्टिंग रिंग, एक आपके पास कंडक्टिंग रिंग है, इसके दो एंड्स ले लीजिए आप, डायमीटर तो बहुत सारे होते हैं, इनफाइनिटली मैनी, इसमें से कोई भी रेंडमली ए और बी पॉइंट ले लिया है कोई पर्टिकुलर डायमीटर पर, अगर हाँ, और ऐसा बोला है कि हम 12 वोल्ट की बैटरी ज्वाइंट करके रखते हैं उसके आसपास, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ फर्क ऐसा पड़ता है कि इसमें से करंट निकलेगा यहाँ से, तो अगर करंट निकलेगा तो दोनों में पास होगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो उन्होंने ऐसा पूछा है कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कितनी होगी वो मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है, क्योंकि ऊपर जितना करंट है उतना ही नीचे करंट है, तो आपको सिर्फ डायरेक्शन ढूंढनी है कि मतलब अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो आंसर जीरो, अपना सीधा सीधा फंडा। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ऊपर वाले पार्ट के कारण अगर आप हाथ घुमाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड्स, और नीचे वाले पार्ट के कारण दैट इज आउटवर्ड्स, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, सो नेट इज जीरो, स्ट्रेट फॉरवर्ड। 40 नंबर का सॉल्व, क्वालिटी सम था, मीडियम से हार्ड, इनफैक्ट हार्ड कैटेगरी में डाल सकते हो इसको। एनीवेज 41 विच इज द इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन के अंदर ग्राफ दिया गया है, अगर आपके पास स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसी मिलेगी, तो सीधी सी बात अंदर मतलब वायर के अंदर लीनियरली प्रोपोर्शनल है, आगे जाके घटती जाएगी, तो मतलब ए इज द राइट आंसर। 42 क्लोजली वाउंड सोलेनोइड ऑफ 120 सेंटीमीटर लॉन्ग, 4 लेयर्स, टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज का सम, लेकिन टेक्स्ट बुक में 5 लेयर दिए गए हैं, यहाँ पे उन्होंने चेंज कर दिया है, सो दैट्स द ओनली चेंज। व्हेन यू विल सॉल्व इट, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछिए, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड इज μ0ni, एन की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स ढूंढना ट्रिकी है, इसलिए एक लेयर में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, 400, तो ऐसे 4 लेयर है तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स विल बी 1600, लेंथ वो सब चीज़ आपको दी गई है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 42 में आपको आंसर मिलेगा 4.27 π × 10⁻¹। पाई को सॉल्व नहीं करना है, पाई के टर्म्स में आंसर लेके आना है। इसलिए फर्दर, अ कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर एंड 1 टर्न इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ एल, ये भी क्लासिकल सम है, थोड़ा लेंथी सम है। आपके पास एल लेंथ का एक वायर है भाई, एल लेंथ का एक वायर, उसको आप कन्वर्ट कर दे रहे हो एक टर्न वाली एक रिंग के अंदर, तो आपकी लेंथ है वो यूटिलाइज हो जाएगी एक सरकमफेरेंस के अंदर, तो आपको रेडियस क्या मिलेगा, एल अपॉन 2π। ध्यान से फोकस करिए मैं क्या लिख रहा हूँ, तो उसकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी पहले सिचुएशन के अंदर, सो मैग्नेटिक मोमेंट इज नथिंग बट इक्वल टू NIA, N तो एक ही है नंबर ऑफ टर्न्स, तो 1 × करंट इज I, आप एरिया को कैसे मतलब लिखोगे, तो πr² एरिया ऑफ द सर्कल, π × इसका स्क्वायर, L² / 4π², तो एक पाई तो उड़ जाएगा, तो आपको शुरुआत में आंसर क्या मिलेगा, I × L² / 4π, ये पहला आंसर है। अब क्या पूछा है कि नाउ इफ द वायर इज देन कन्वर्टेड इन अ रिंग ऑफ 2 टर्न्स, अगर एक के बजाय 2 टर्न्स ले ले हम अगर, तो ट्रिकी क्या था कि अब आपका रेडियस चेंज होएगा, क्योंकि आपकी जो वायर की लेंथ है उसको आपने यूटिलाइज किया किस में, ऐसे क्योंकि यहाँ पे अगर रेडियस आर है तो आपने पूरी की पूरी लेंथ एक ही टर्न में लगा दी ना, इसलिए यहाँ पे आपको 2 टर्न लगाना है, तो रेडियस डेफिनेटली कम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, लेंथ विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स सर्कमफेरेंस, 2 π r, तो आपको रेडियस कहाँ कितना मिलेगा, यहाँ पे L/4π मिलेगा, जो कि पहले आपको कितना मिलता था, L/2π। तो अब मैग्नेटिक मोमेंट की फॉर्मूला क्या है, अगेन सेम टू सेम, NIA नंबर ऑफ टर्न्स आर 2,
करंट इज आई पाई इंटू आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो एल स्क्वायर अपॉन 16 पाई स्क्वायर 28 जा, सीधे से देख सकते हो आई एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई, और ये आई इंटू एल स्क्वायर अपॉन एक पाई उड़ जाएगा 8 पाई, तो डेफिनेटली आधी हो गई है, सो इट इज एम बाई टू, एम बाई टू इज द करेक्ट आंसर। ये प्रॉपर सॉल्यूशन है, आप देख के सॉर्ट आउट कर सकते हो भाई इसको। एनीवेज नाउ फर्दर इज अ शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस इन, बहुत ही सिंपल सम है भाई, टॉर्क की वैल्यू आप जानते हो, टॉर्क इज नथिंग बट इक्वल टू एम बी साइन थीटा, सॉल्व करोगे तो एम की वैल्यू आपको सीधे सीधे मिल जाएगी जो कि 0.36 मिलेगी आपको। वेरी इजी क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द, अच्छा फ्लक्स दिया है आपको और करंट ढूंढना है, सो भाई करंट ढूंढने के लिए आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन आर, तो पहले एप्सिलॉन ढूंढना पड़ेगा, एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, तो फ्लक्स का डेरिवेटिव ना नेगेटिव डेरिवेटिव लेना पड़ता है, लेकिन नेगेटिव की यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, बिकॉज अपने को सिर्फ मैग्नीट्यूड पे फोकस करना चाहिए व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग द करंट। एनीवेज तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3t स्क्वायर का 60 हो जाएगा और 2t का तो 2 हो जाएगा, 5 का तो 0 होता है, आपको ये ढूंढना है 2 सेकेंड पे, सो एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड व्हाट विल बी, 6 इनटू 2 12 प्लस 2 14, इट्स माइनस 14 मॉड्यूलस वाइज इट इज प्लस 14, सो करंट कितना होएगा, एप्सिलॉन इज 14 और रेजिस्टेंस भी 14 है, तो 14 अपॉन 14 1 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। 46 नंबर, करंट इन द सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड, आपको ईएमएफ दिया गया, सेल्फ इंडक्टेंस ढूंढना है, बेस इजी फॉर्मूला, एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी के तहत एल को सब्जेक्ट करोगे तो एप्सिलॉन डी टी अपॉन चेंज इन करंट नेगेटिव वैल्यू माइनस एप्सिलॉन की वैल्यू 100 है, चेंज इन टाइम इंटरवल मतलब 0.1 है और करंट कितना चेंज हो रहा है 5 से 0 दैट इज माइनस 5, सॉल्व करोगे सीधा सीधा आंसर आपको 2 हेनरी मिल जाएगा क्योंकि ये 10 हो जाएगा एंड 10 डिवाइड बाय 5 ऑब्वियसली 2। नेक्स्ट म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ सिस्टम, बहुत बार बोला है लेक्चर के दौरान कि भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस कभी भी करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, नेवर एवर डज नॉट डिपेंड्स ऑन करंट पासिंग थ्रू दिस, ये भी एमसीक्यू बहुत बार कराया गया है और बोला भी था कि भाई ये वाले एमसीक्यू आ सकते हैं, चैप्टर नंबर 6 का लेंथ दी गई है और आपको मोशनल ईएमएफ ढूंढना है व्हेन अ रिंग इज रोटेटिंग, सो इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर, फ्यूचर में भी काम लगेगा, बी इज गिवन टू यू, ओमेगा इज ऑल्सो 200 रेडियन पर सेकेंड गिवन टू यू, रेडियस इज 1 मीटर, सो इसका आंसर आपको आएगा 50 वोल्ट 50 वोल्ट आएगा। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस द पावर फैक्टर ऑफ द एसी सर्किट इज अ क्वालिटी सम कैन बी जीरो, अब जीरो पावर फैक्टर का मतलब क्या होता है, पावर फैक्टर इज नथिंग बट इक्वल टू कॉस डेल्टा, तो अगर डेल्टा पाई बाय टू हो गया या तो फिर माइनस पाई बाय टू हो गया तो वो दोनों केसेस के अंदर पावर फैक्टर जीरो होता है। अब पाई बाय टू एंड माइनस पाई बाय टू आप जानते हो इंडक्टर एंड कैपेसिटर के केस में होता है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैं अकेले अकेले बोल रहा हूँ, मतलब ओनली इंडक्टर ओनली कैपेसिटर देन इट्स ट्रू, तो सर फिर क्या ढूंढे, अगर रेजिस्टर आ रहा है तो पावर फैक्टर जीरो नहीं हो सकता, इसलिए आपको एल एंड सी बेस्ट ऑप्शन, चेक करोगे तो आप उसका फेजर भी चेक कर सकते हो, एल ऊपर और सी नीचे मैग्नीट्यूड वाइज 90 डिग्री पे ही मिलेगा क्योंकि करंट हम एक्स एक्सिस पे अगर प्लॉट करें सो डिफरेंस यहाँ पे आएगा तो फेज डिफरेंस विल बी 90 डिग्री, या तो 90 होएगा या तो माइनस 90 होएगा डिपेंडिंग अपॉन विच इज लार्जर एक्स एल या फिर एक्स सी, यहाँ पे रेजिस्टर ले ले हम अगर, आशा रखता हूँ आइडिया आ गया आपको भाई। लास्ट बट नॉट द लिस्ट LCR सीरीज AC सर्किट इज कनेक्टेड टू एन AC सोर्स ऑफ पीक वोल्टेज 240 वोल्ट द फेस डिफरेंस बिटवीन इट वॉज अगेन द क्वालिटी सम भाई, ये आपको डेल्टा दिया गया है, डेल्टा इज 45 डिग्री, तो नॉर्मली हम ऐसा सिखाते हैं कि इम्पिडेंस ट्राइंगल पे फोकस करो क्योंकि LCR सर्किट है, ऐसा मान लेते हैं कि XL इज ग्रेटर देन XC, तो आपके पास अगर आप फेजर ड्रॉ करोगे तो ये R है, ये ऊपर ही आपके पास XL माइनस XC आएगा, रिजल्टेंट सॉर्ट आउट करोगे तो ये ट्रायंगल बनेगा, तो अगर ये ट्रायंगल पे अब अगर हम फोकस करें तो ये आर है, सामने वाला एक्सएल माइनस एक्ससी है और ये डेल्टा है, ऑब्वियसली दिस इज द इम्पेडेंस, डेल्टा की वैल्यू अगर 45 है तो अगर आप 1045 लगाओगे 1045 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1045 ऑब्वियसली 10 थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो एक्सएल माइनस एक्ससी बटे आर 1045 इज 1, सो इनडायरेक्टली आर और एक्सएल माइनस एक्ससी दोनों की वैल्यू सेम है,
तो ये वाले सम के अंदर आर की वैल्यू 100 दी है ना, 100 ओम, तो ऐसे XL माइनस XC इज ऑल्सो 100 ओम. क्यों मैंने ऐसा सिखाया आपको? तो द रीजन बीइंग, जस्ट अ मिनट, तो इससे आपको क्या मालूम पड़ेगा? तो देखिए, आपको ढूंढना क्या है, आई आर एम एस ढूंढना है. तो आई आर एम एस की वैल्यू क्या होती है? वी आर एम एस अपॉन जेड. अब जेड क्योंकि ये एल सी आर सर्किट है, तो जेड की वैल्यू क्या होती है? आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर. अब दोनों की वैल्यू 100 है, 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, या इट्स 100 रूट 2 फॉर श्योर. और ऊपर वी आर एम एस आपको नहीं दिया है, बी केयरफुल, आपको वी एम दिया है, वी एम. सो वी एम से वी आर एम एस कैसे मिलेगा? आप जानते हो वी आर एम एस इज इक्वल टू वी एम बाई रूट 2. सो ऐसे आप वी आर एम एस भी ढूंढ सकते हो. वेन यू विल बी सॉल्विंग दिस एंटायरली, यू विल गेट द आंसर 1.2 एम्पीयर. ये 50 एमसीक्यू है भाई. फर्दर मोर एट द एंड पार्ट बी के बारे में थोड़ा बोलूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट लिस्ट में नहीं थे. मैंने बोला था कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन ये सारे थे भाई, अगर आप ध्यान से अंदर फोकस करोगे. एक नहीं था वो, हाँ ये वाला, ऐसे तो ये था लेकिन कैसे नहीं है, बिकॉज दे हैव आस्क्ड अबाउट कॉन्वेक्स मिरर, और मैंने ऐसे बोला था कि आपको कॉन्केव मिरर के बारे में फोकस करना चाहिए. बट एनीवेज, दिस इज द क्वेश्चन विच वॉज नॉट इन आर लिस्ट, तो मैं इसको कंसिडर नहीं करता हूँ भाई. तो ये अपने लिस्ट में नहीं था, एक बाकी सब थे 2 मार्क्स के अंदर. 3 मार्क्स के अंदर 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे लिस्ट में नहीं थे, ये ऑल 3 वेयर देर. देन हॉरिजॉन्टल वायर ये वाला नहीं था, 70वां वाला जो ट्रांसफॉर्मर के अंदर एनर्जी लॉसेस के कारण बताइए ऐसा बोला था, वो हमारे केस में नहीं था. और दूसरा अगर आप ध्यान से फोकस करोगे तो मैंने ये 20 नंबर वाला नहीं बोला था. समराइज एनी 3 एक्सपेरिमेंटल फीचर्स, सो ये दोनों हम कैटेगरी में नहीं लेते, मतलब बाकी सब, ये सब क्वेश्चंस हमारे एम्पी लिस्ट में से तो थे ही. बाकी तो सेक्शन सी पूरा, या ऑल 6 क्वेश्चंस वेयर फ्रॉम आर इम्पोर्टेंट लिस्ट. या सो दैट्स इट. अगर आपने पार्ट बी को बहुत अच्छे से लिखा है तो आप 40 प्लस उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो. मेरे हिसाब से तो 45 प्लस आने ही चाहिए अगर आपकी प्रिपरेशन प्रॉपर थी. और पार्ट ए के अंदर अगर आपके 30 प्लस आ रहे हैं, सो ओवरऑल यू आर गेटिंग लाइक करीब करीब 75 प्लस जा सकते हो आप आसानी से. सो इफ यू आर गेटिंग 75 प्लस, यू शुड बी मोर देन हैप्पी. या डोंट गेट योर सेल्फ डीमोटिवेटेड ड्यू टू दी 10 to 12 MCQs, दोज वेर हार्ड. दैट्स इट, सी यू लेटर विद दी गुड सेट टेक्निक्स. नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये समझाऊंगा कि गुड सेट के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है, क्या ख्याल रखना चाहिए. बाय बाय एंड टेक केयर.